जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मत जाओ बेटा, मत जाओ। मैं जानता हूं कि मैं सही हूं, क्योंकि जिंदगी में उसूलों के कुछ मायने होते, लेकिन फिर बाबूजी, भावना, अवनी और परिवार के सारे लोग भी तो गलत नहीं है। I'm sorry बाबूजी, आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन मैं अपने गुस्से, अपने अभिमान के चलते आपकी दीवी सबसे बड़ी सीख भूल गई। मैं ये भूल गया कि क्षमा और प्रेम जिंदगी के वो दो स्तंभ हैं जिन पे पूरा परिवार खड़ा। और भावना, मुझे ये सब याद दिलाने का श्रेय आपको जाता है। हमेशा की तरह आपने मेरे जमीर को जगाया, मुझे ये याद दिलाया कि मैं अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी भूल करने वाला था, अपने बेटे बहू को अपने से और अपने परिवार से दूर करने वाला। मैं मानता हूं कि मेरे कुछ आदर्श, डिसिप्लिन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, लेकिन इसके लिए मैं अपने परिवार की खुशी और प्यार को तो दांव पे नहीं लगा सकता। हम सब ने मिलकर प्यार से इस परिवार को संजोगा और मेरी जिद की वजह से मैं इसे बिखरता नहीं देख सकता। और अमनी बेटा, स्पेशल थैंक्स टू यू। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी कोशिशें मुझसे छुपी रहे? ये तुम्हारी कोशिशें ही तो हैं बेटा जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मेरा गुस्सा तो जायज था, लेकिन जो सजा मैंने इन्हें दी वो इनके गुनाहों से कहीं ज्यादा थी। बेटा, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि जितना दुख मुझे पहुंचा उससे कहीं ज्यादा गुना दुख मैंने अपने ही लोगों को दिया। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं। मेरी जिद की वजह से तुम लोगों ने इतनी तकलीफ उठाई, अब तुम और सारा परिवार मिलके मुझे जो भी सजा देने चाहो मुझे मंजूर, लेकिन अक्षत बेटा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत, मुझे और इस परिवार को छोड़कर मत जाओ। I'm so sorry. बेटा, आप ऐसा मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं थी ना? सारी की सारी गलती मेरी थी, आपको बता नहीं सकता ना? आपने मुझे माफ कर दिया, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है ना? मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया। कभी जिंदगी में डैड आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कभी डैड। शांति पाठ तो मैंने करवाया और घर में शांति आ भी गई, लेकिन इस अशांति को भी साथ लेकर आई है। अब घर आई है तो इसके परी काट दूंगी मैं। कंग्रेचुलेशंस अफनी, आखिर प्यार की जीत हो ही गई। राज, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? क्या? इस घर ने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, अब देखना ये घर हमारा भी प्यार एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब अब मैं सुकेता से हमारे बारे में बात कर सकता हूँ। मेरा तो मन करा कि उड़ के जाओ और सबको बता दो, हमारी खुशी सबके साथ बांट दो। सीरियसली राज, सो हैप्पी। अब ये चोरी चोरी छुपके छुपके वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्यार की जीत मुबारक हो अपनी। तुम्हें भी राज। मिठाई खाइए, अपना मुंह मीठा कीजिए। पापा, आप सबका मुंह मीठा कराइए। लाओ।
बेटा ये मिठाई नहीं, तुम्हारे ससुर जी का आशीर्वाद भी है। अरे भाई ये तो सरासर जाती है, हम घर के सबसे बड़े हैं और कोई हमें पूछता ही नहीं। अब देखो बहू, आज कोई पाबंदी नहीं, आज तो मैं जी भर कर मीठा खाऊं। बाबूजी मैं आपको खिलाती हूँ। बेटा जानता हूँ बेटा, तुमने बहुत कुछ सहा है, एक गलती की तुमने बहुत लंबी सजा काट ली, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद इस घर में तुम्हें सिर्फ खुशियां और प्यार ही मिलेगा। और बहू तुम्हें क्या, तुम तो इस घर के लिए एक अनमोल वरदान हो। एक ससुर होने के नाते मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। नहीं बाबूजी, मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है, लेकिन मेरे लिए मेरे परिवार की सुख शांति और खुशी सबसे ज्यादा जरूरी, और आज तुमने वो सारी खुशियां मुझे लौटा दी। बहू तुम इस घर की एक ऐसी मजबूत कड़ी हो जिसने हमारे घर की खुशियों को बरकरार रखा है, और फिर सुकेत का दिल तो तुम ही पिघला सकती हो। सच कहूं बाबूजी, एक पल के लिए तो मैं भी बहुत डर गई थी जब मेरी बात सुनकर सुकेत जी चले गए थे। मुझे लगा पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन मेरा जाना जरूरी था कुछ लाने के लिए। क्या? अभी बताता हूं। ओहो क्या बात है, सुकेत भाई साहब गजरा लाए हैं। इसका मतलब सुकेत भैया को भावना भाभी में बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है आज। क्यों? आप सब लोगों के लिए भी लाया। अरे वाह, अपनी वाइफ्स को थैंक यू बोलने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। ये घर की औरतें ही तो होती हैं जो कि पूरे परिवार को महकाती हैं। ओह माय गॉड आर्मी, तुम्हारे पापा तो पोएट बन गए। वाह, इसका मतलब है कि कुछ दिनों बाद तुम भी मेरे बालों में कभी कभी कचरा लगाओगे। कभी कभी नहीं, रोज के रोज। प्रताप जी, आप मेरे बालों में कचरा नहीं लगाओगे? आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या? सच पूछो तो नहीं। ये परिवार जिसे तुम प्यार करने का दावा करती हो, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से इतने दुखों से गुजर रहा है। पिता के लिए तुम्हारी नफरत की वजह से तुमने सुकेत पैसा को उकसाया। नहीं प्रताप जी, मैंने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि भैया को सच का पता होना चाहिए। मैं तो सिर्फ भैया का साथ दे रही थी। हाँ मानती हूँ कुछ गलती तो हो गई मेरी तरफ से, सॉरी। मुझे भी तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आई साहब। और हाँ, अब सब कुछ जब घर में अच्छा हो गया है तो प्रॉमिस करो कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, तो समझ गए? और उम्मीद करता हूं कि तुम अर्पिता को मन से अपनी बहू स्वीकार करोगी जैसे हम सब लोग करते हैं, समझे? लेकिन एक शर्त, अगर प्रताप जी मेरे बालों में कचरा लगा देंगे तो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।